आईपीएस सुरेंद्र दास के बाद कानपुर में एक बार फिर पुलिस महकमे में सिपाही की आत्महत्या से हड़कंप मच गया है। बुधवार सुबह जहर खाने से सिपाही पति की मौत का सदमा उसकी पत्नी बर्दाश्त नहीं कर सकी और मकान की दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी। पड़ोसियों की मदद से पुलिस ने सिपाही की पत्नी को हैटल अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। गोविंद नगर में रहने वाला सिपाही जसवीर शाकी जेल में ड्यूटी पर तैनात था। बीती 2 दिसंबर को अवसाद में आकर उसने अपने आवास में जहर खा लिया था। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। बताया जा रहा है कि कासगंज जिले के सहावर थाना क्षेत्र में आने वाले चोबे नगला गांव निसासी यशवीर शाके 2005 बैच के सिपाही थे। बुधवार सुबह जब पत्नी प्रिया को पति की मौत की जानकारी मिली तो घर में कोहराम मच गया। मानसिक तनाव की वजह से प्रिया ने भी मकान की दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी। प्रिया के छलांग लगाते ही परिजनों और पड़ोसियों में हड़कंप मच गया। आनंद फानंद में उसे परिजन हैटल अस्पताल लेकर गए। यहां पर पुलिस अफसर भी पहुंच गई। बताया जा रहा है कि प्रिया की हालत भी गंभीर बनी हुई है। जसवीर शाके की प्रिया से वर्ष 2011 में शादी हुई थी। इनके 5 साल का एक बेटा भी है। इस घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हर किसी को इनके बेटे की चिंता सता रही थी। चर्चा यह भी है कि जसवीर शाके का बेटा मानसिक रूप से कमजोर था, जिसकी चिंता उसे लगी रहती थी। जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट जेबीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।